अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओम ने तो कह दिया कि हालात के साथ समझौता कर लो, लेकिन मेरे दिल में अब भी उम्मीद बाकी है बाबा जी कि आज की रात दालचीनी और मेरे रिश्ते की आखिरी रात नहीं होगी। मैं आपके सामने हाथ फैला कर खड़ा हूँ बाबा जी, कोई चमत्कार कर दीजिए, दालचीनी को मुझसे दूर मत कीजिए। एक इंसान को इस दुनिया से अलग करने के लिए कब्रिस्तान से अच्छी कौन सी जगह हो सकती है? निकाल इसे बाहर। कोशिश मत करना, माता रानी का हाथ है मेरे सर पर। आज जो तेरे साथ होने वाला है ना, उसे तुझे माता रानी भी नहीं बचा सकती। दूर दूर हट। जय माता दी। मनोज पकड़ उसे। सारी सच्चाई पता नहीं होगी और कुछ भी। इस जरूरत के वक्त तीतर जी का फोन नहीं लगता। सरजी का फोन है, मैं आ जाएगा। कम से कम ये मैसेज उन्हें मिल जाएगा। दूर हटो, दूर हट, दूर। छोड़ो मुझे, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी खतरनाक हूं। मैं ये डराने धमकाने के काम बाद में करना, पहले इन तलाक के कागजात पर अंगूठा लगाओ। ए छोड़, कोई भी मुझे तेज तरीके से जबरदस्ती अलग नहीं कर सकता।
और जो कहा था वो काम करो। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब राजरानी मैडम से इसके बहुत पैसे मिलेंगे। पीजी के लिए घड़ा तू ही बनाएगी। दालचीनी मुझे पसंद है और उसके साथ जिंदगी मुझे बितानी। ओम शांति। ना ये मेरे रास्ते का कांटा बनती और ना ही इसकी इतनी दर्दनाक मौत। कोई ना, अब तो दफन हो गई, मिट्टी पाओ। जब तक तुम नहीं आओगी दालचीनी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। आई लव यू दालचीनी। मैं तेज के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि आपने कुछ भी नहीं किया है। कहाँ हो तुम दालचीनी? तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। हे माता रानी, दालचीनी की रक्षा करना। आगी दालचीनी, कहाँ थी तुम रात भर? बेटा अपना मूड मत खराब करना, ये डिवोर्स पेपर्स आ गए। दालचीनी ने अपना अंगूठा लगा दिया है। We'll be right back.
उसने ये कागज भेजा और कहा है कि वो सीधे मंदिर आएंगे। नहीं 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 मॉम, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं नहीं मानता। अगर दालचीनी को ये पता है कि कल की रात हमारे पास आखिरी वक्त है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, तो ऐसे वक्त में वो मुझे अकेला छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि आज तेरी माँ तुझसे छूट पड़ रही? इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, निकलने की तैयारी कर, देर हो रही है, और वैसे भी जब वो वहां आएगी तो तू खुद उससे पूछ लेना। मेरी बात पे तो विश्वास है नहीं तुझे। सॉरी पुत्र, मैं तुझे उस गंवार के साथ अपनी पूरी लाइफ वेस्ट करते हुए नहीं देख सकती। आज के बाद दालचीनी कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। मैं नहीं मानता कि दालचीनी इन डिवोर्स पेपर के ऊपर साइन कर सकती है। आप नहीं मानते कि भाभी इन डिवोर्स पेपर पर अंगूठे लगा सकती है। वो नहीं मानती कि आप कुछ गलत कर सकते हो। जब दोनों एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हो तो क्यों अलग हो रहे हो? भरोसा इसीलिए, दालचीनी ने मुझसे वादा किया है कि वो कैसे भी करके इस रिश्ते को बचा लेगी, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है दीपक कि दालचीनी ना कभी अपना वादा नहीं टूटने देगी। जितना भरोसा आप उन पे करते हो ना, मैं भी उन पे उतना ही भरोसा करता हूँ। अगर उन्होंने वादा किया है तो वो उसको जरूर पूरा करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो अभी है कहाँ? अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं है? दालचीनी कल दोपहर से नजर नहीं आ रही। तेरी बात हुई थी ना उससे, क्या हम चाहते हैं कि वो बेटी बनकर हमारे साथ ही रहे? दारजी, उसे कहने का मौका ही नहीं मिला। कल दोपहर से तो मैंने भी नहीं देखा उसे कि वो है कहाँ। फोन भी नहीं लग रहा। दारजी, वो पंडित जी दुल्हन को बुला रहे थे तो। राय रानी। हाँ जी। दालचीनी क्यों नहीं पहुंची अभी तक? वो अब कभी पहुंचेगी भी नहीं। डिवोर्स पेपर्स पे खुद ही उसने अपना अंगूठा लगाया है, शादी के लिए भी उसी ने हामी भरी है, लेकिन है तो इंसान ही ना वो भी। जब अपनी बहन को तेज के साथ फेरे लेते हुए देखेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? मुझे लगता है कि हमें उस बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आइए दर्जी। आपको बुला रहे हैं। फेरों का वक्त हो गया पर दालचीनी अब तक नहीं आई। वो जरूर ये सोच रही होगी कि जब फेरों में मैं उसे अपने सामने देखूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तेज सर जी की शादी ना हो गई हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दालचीनी को तेज की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर चुकी हूं मैं। तू भी दुल्हन बनने का अपना अरमान पूरा कर ले, क्योंकि तेज की जिंदगी में तो तुझ जैसी नागिन को मैं रहने नहीं दूंगी। रास्ते से हटाना तो अब तुझे भी पड़ेगा।
बहुत लिहाज कर लिया आपका आंटी जी, बस एक बार तिजोरी की चाबियां मेरे हाथ में आ जाने दीजिए, कटोरा लेकर चौराहे पर आपसे भीख न मंगवाई ना तो मेरा नाम भी कला नहीं। जी अब विवाह संपन्न हुआ, बार वधू बड़ों का आशीर्वाद ले। दालचीनी तू सच बोल रही हो पापा जी, कोई माँ वो नहीं बनने वाली है ये, पूरे परिवार को झूठी रिपोर्ट दिखाई है उसने अपने प्रेगनेंसी की। हाय रपा, फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट, तो इस हद तक गिर सकती है कला? नहीं 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 नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं माता रानी की कसम चूकूंगा। खबरदार जो अपनी जुबान से माता रानी और इज्जती का नाम लिया तो पूछती हूँ मैं उनको, और उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कला, और तेरी ये शर्मनाक करतूत का रस सबूत है मेरे पास। रूही हाँ भाभी एक मिनट, ये लो भाभी मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए माँ,
अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।